हेलो एवरीवन, आज हम एच ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो हमारी पहली रिएक्शन है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयोडीन। तो हमको पता है कि आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल होती है, तो नॉन मेटल की रिएक्शन कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने नॉन मेटल्स जो हैं वो कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो जरा, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ग्रुप 13 में बोरॉन आता है, ग्रुप 14 में कार्बन आता है, 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस आता है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर, 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ग्रुप 18 तो इनर्ट होता है तो वो किसी से डील करेगा नहीं। तो अगर हम इन नॉन मेटल्स की बात करें तो कार्बन की एनर्ज के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, नाइट्रोजन की एनर्ज के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, ऑक्सीजन की एनर्ज के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ये जो नॉन मेटल्स हैं, तो इतने नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे कास्टिक सोडा के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो कूल्ड एंड डाइल्यूट NaOH में अलग होती है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में रिएक्शन अलग होती है। तो ये फॉस्फोरस एंड सल्फर ये तो एक ही रिएक्शन देते हैं, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हॉट एंड कोल्ड दोनों ही टाइप के NaOH के साथ अलग अलग रिएक्शन देते हैं। बोरॉन जो है वो कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता। ये जो है वो मेटलॉइड की तरह हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा जब वो कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करेगा। तो चलिए इन रिएक्शन को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम NaOH की रिएक्शन जो है वो बोरॉन से करा देते हैं। तो ये बनेगा Na3BO3, सोडियम बोरेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, बोरॉन 2 हो गया तो बोरॉन को करोगे 2, हाइड्रोजन जो है वो 3 हो जाएगा। इसके बाद NaOH की रिएक्शन जो है वो हम फास्फोरस से कराएंगे, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन होना है, फास्फोरस का रिडक्शन होना है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करें तो ये -3 to +5 तक होती है। तो रिडक्शन तो फास्फोरस का होगा तो ये तो बनेगा pH 3, ठीक है। फास्फोरस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है तो ये बनता है NaH2U2, ये हमारा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट कहलाता है। अब इस रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस जो है वो हम कैसे करते हैं। तो कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंस की जाती है तो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उस स्पीसीज को 2 बार लिख लेते हैं, एक बार ऑक्सीडेशन में दिखाते हैं, दूसरी बार रिडक्शन में दिखाते हैं। तो देखो जरा, फॉस्फोरस जो है ऑक्सीडेशन में NaH2PO2 बना, यहाँ पे फॉस्फोरस +1 में है, और P4 जो है वो रिडक्शन में pH 3 में गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये -3 है, यहाँ पे ये फॉस्फोरस +1 में है। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हुई और यहाँ 0 से -3 हुई। तो जब भी हम रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमारा एक ही रूल जो है वो अप्लाई होता है, और रूल है ओनिडा एयर कंडीशनर OHO। इस रूल के थ्रू जो है वो हम रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओ मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पहचान लिए। ए मतलब एटम को बैलेंस करना, तो उन एटम को बैलेंस करना जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो भैया देख, फॉस्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो फॉस्फोरस यहाँ 4 है, फॉस्फोरस यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 4 करना पड़ेगा। फॉस्फोरस यहाँ पे 4 है, फॉस्फोरस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। तो हमने एटम भी बैलेंस कर लिए, अब हमें इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करना है, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमें बैलेंस करना है। तो देखो भाई, यहाँ पे 4 into 0 0 रहेगा, यहाँ पे 4 into 1 कितना हो गया 4,
तो यहाँ पे चेंज जो है वो कितना आया, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। यहाँ पे 4 × 0 0 हो गया, यहाँ पे 4 × 3 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो सी मतलब इलेक्ट्रॉन के लेन देन को हमें बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन के चेंज को बैलेंस करना है, तो भैया चेंज को कैसे बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 इलेक्ट्रॉन देने लगेगा और ये 12 इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इस फॉस्फोरस में होगा और यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल कर दो भाई फटाफट, तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, तो टोटल फॉस्फोरस कितना हो गया 4, तो 4 कर दिया, ये कितना हो गया 12, तो इसको 12 बना लो, ये कितना हो गया 4, तो इसको 4 बना लो, बस अब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई काम नहीं रहा, अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देखो भाई फॉस्फोरस यहाँ पे 4 और फॉस्फोरस यहाँ पे 12, कितना हो गया 16, तो फॉस्फोरस यहाँ पे 16 हो गया, सोडियम 12 है, तो सोडियम को जल्दी से कर लो 12, ठीक है। आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे है 12 और ऑक्सीजन यहाँ पे 24 है, तो यार ऑक्सीजन तो यहाँ पे 12 कम हो गई, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O इस्तेमाल करते हैं, तो कितना करोगे 12 H2O करोगे। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे, तो 12 × 2 = 24 और 12 हाइड्रोजन ये है, तो टोटल हो गए 36 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 × 12 और 12 × 2 = 24, तो 36 हाइड्रोजन इस तरफ भी हो गए, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। अब चूंकि ये रिएक्शन जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3NaOH बनेगा, ये P4 बनेगा, ये 3H2O बनेगा, से PH3 बनेगा, से 3NaH2O2 बनेगा, ये तो हमारी फॉस्फीन गैस कहलाएगी, तो ये फॉस्फीन गैस है, और ये क्या है, इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइपो फॉस्फाइट, तो ये सोडियम हाइपो फॉस्फाइट हो गया। यहाँ पे हाइपो प्रीफिक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम हाइपो प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसके बाद NaOH की रिएक्शन जो है वो हम सल्फर से कराते हैं, तो चूंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर का ही रिडक्शन होगा, तो सल्फर जो है वो -2 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो -2 का कंपाउंड तो Na2S बनेगा, और इसके बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 वाला स्टेबल होता है, तो Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट जो है वो बनेगा, तो लोएस्ट पॉजिटिव में ये +2 वाला कंपाउंड जो है ये स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट जो है वो बना। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे 0 से ये सल्फर -2 मतलब रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे ये +2 में आया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग लिख लेंगे, तो ये सल्फर से Na2S2O3 बना, मतलब क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन, सल्फर से Na2S बना मतलब रिडक्शन, तो रिडक्स रिएक्शन है, बैलेंस करना है, तो ये 0 से +2 पहुंचा और ये 0 से -2 पहुंचा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना, ए मतलब एटम को बैलेंस करना, जिन एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, तो भैया यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर को 2 कर लो, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, हो गया बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करो, तो 2 × 0 = 0 और 2 × 2 कितना हो गया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन है तो दिए जाएंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लिए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हवा में लटके रहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है ना।
तो बस अब हम रिएक्शन को एक कर देते हैं, सल्फर कितना हो गया 4, तो सल्फर को कर दो 4, Na2S2O3 कुछ नहीं आया, Na2S को कर दो 2, तो सोडियम हमारा कितना है 4 और ये 2 6, तो सोडियम को 6 बना लो, सल्फर हमारा बैलेंस है, सल्फर 4 है, सल्फर यहाँ 2 और 2 सल्फर वहां पे है। अब करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, तो भैया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं इस्तेमाल करना, वाटर इस्तेमाल करना है, तो 3H2 कर लो फटाफट से। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हम NaOH की रिएक्शन जो है वो फ्लोरीन से कर देते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 के अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन के अलावा ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, दुनिया में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाए, तो फ्लोरीन जिंदगी में कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता, पूरी जिंदगी ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जिंदा रहता है, या फिर 0 रहेगा या -1, तो अगर ये अपनी नेटिव स्टेट में है तो 0, अगर कंपाउंड स्टेट में है तो -1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका रिडक्शन ही पॉसिबल है, तो सोडियम फ्लोराइड तो बन नहीं बनना है, ठीक है, और क्या होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और क्या बनता है, और बनेगा H2O, ठीक है, जब आपका ये NaOH कैसा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे, तो भैया देखो फ्लोरीन यहाँ पे 3 है, फ्लोरीन 2 है, तो बैलेंस तो होगी नहीं, तो यहाँ पे 2 कर लोगे 4, तो यहाँ पे 2 कर लोगे तो 4 हो जाएगा, सोडियम कितना है 2, तो सोडियम को बना लो 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर NaOH जो है वो कैसा होता, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो फिर फ्लोरीन से रिएक्शन होती, क्या बनता, सोडियम फ्लोराइड तो बनने बनना है, क्योंकि रिडक्शन तो पॉसिबल है, फिर क्या बनेगा, H2O, OF2 भी नहीं बनेगा, फिर इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, फ्लोरीन 2 है तो फ्लोरीन को कर दे 2, Na2 हो गया, Na2 कर दो, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन को कर दो 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन मात्र 4 है, तो बैलेंस नहीं है, तो भैया इसको कर लेते हैं अपन 4, ठीक है ना, तो इसको कर लो 4, इसको कर लो 2, तो ऑक्सीजन हो गया कितना 4, इसका मतलब है यहां पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तो बस ये हमारी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन हो गई। इसके बाद कास्टिक सोडा की रिएक्शन जो है वो हम क्लोरीन से देखेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक जैसी रिएक्शन देते हैं, तो अब यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये कैसा है, ये कोल्ड एंड डाइल्यूटेड है, रिएक्शन होगी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, तो रिडक्शन तो NaCl में ही पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है वो -1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो 0 से -1 ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन चूंकि ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्लोरीन, तो क्या बनेगा, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो बन पाएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, तो देखो भाई Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा NaClO में, ये +1 है, ये 0 है, क्लोरीन रिडक्शन होगा NaCl में, ये -1 है, ये 0 है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है, पहचान लिया भाई, ए मतलब एटम को बैलेंस करो, तो भैया क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ क्लोरीन 2 है यहाँ पे 2 कर लो, एटम बैलेंस हुआ है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन के चेंज को बैलेंस करना है, तो 2 × 0 0, 2 × 1 दो इलेक्ट्रॉन, तो भैया दो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, रिडक्शन में क्या हो रहा है 0 × 2 2 × 1 दो, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जा रहे हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन के लेन देन तो बैलेंस है, तो बस कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को एज इट इज जो है वो लिख दो, क्लोरीन कितने हो गए 2,
तो क्लोरीन को कर दो टू, बाकी इसको टू कर दो, इसको टू कर दो, ठीक है। अब सोडियम को बैलेंस करो, सोडियम को कर दो फोर, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन कितना है फोर, ऑक्सीजन है टू, तो क्या करोगे H2O लगाओगे, तो टू एच टू लगाओगे। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन इधर भी फोर है, हाइड्रोजन इधर भी फोर है, मतलब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो भैया देखो पूरी इक्वेशन जो है ना टू से डिवाइड हो रही है, तो इस इक्वेशन को आप दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। तो ये बनेगा NOH2Cl2 से बना NaCl, से बना NaClO, से बना H2O। ये हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है वो कहलाएगा। अब हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में देख लेते हैं। तो ये कैसे हमारा, ये तो कोल्ड एंड डाइल्यूट था, अब NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कर लेते हैं। तो भैया NaOH जो है ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरीन डिएक्ट कर रहा है, तो NaCl तो बन नहीं बनना है क्योंकि रिडक्शन तो यही पॉसिबल है। ऑक्सीडेशन तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडाइज कर देता है, तो प्लस फाइव वाला कंपाउंड बनता है, तो NaClO3 बनेगा। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, तो भैया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग लिखेंगे, तो Cl2 से NaCl बना और Cl2 से NaClO3 बना, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचान लिया, ए मतलब एटम को बैलेंस करो, तो एटम क्लोरीन 2 है तो दोनों जगह 2 कर दो क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन के चेंज को बैलेंस करो, तो यहाँ पे 0 इंटू 2 0 रहेगा, यहाँ पे -1 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। रिडक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, यहाँ पे 0 इंटू 2 0 रहेगा और यहाँ पे ये प्लस 5 में है क्लोरीन, तो प्लस 5 इंटू 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन में तो 10 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी ना इंसाफ है, तो पूरे रिडक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने लगे, तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बस इक्वेशन को जोड़ के लिख दो, क्लोरीन कितने हो गए 6, तो भैया 6 बना दो, NaCl 10 है तो 10 बना दो, NaClO3 2 है तो 2 बना दो। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा तो इसको साफ भी कर दो। अब इक्वेशन देख लो जरा, सोडियम 10 और 2 12 है, तो भैया इसको जल्दी से कर लो 12, ठीक है। क्लोरीन 12 है, क्लोरीन 12 हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं हमेशा से, तो 6H2 कर लो। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 इक्वेशन हो गई बैलेंस, लेकिन ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो कर दो भाई। तो ये बनेगा 6NaOH, ये कैसा है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, 6Cl2 से बनेगा 5NaCl, से बनेगा NaClO3, से बनेगा 3H2। तो ये भैया हमारी ओवरऑल इक्वेशन जो है वो हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए ब्रोमीन होता, तो बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर दो, ठीक है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से ब्रोमीन डिएक्ट कर रहा है तो ब्रोमीन कर दो, तो यहाँ पे तो NaBr बन जाएगा, यहाँ पे NaBr O बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है ना। तो ये सोडियम हाइपोब्रोमाइट हो जाएगा और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे 6Br2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 NaBr हो गया, यहाँ पे 2 NaBrO3 हो गया, बस आयोडीन करना है तो बस ब्रोमीन की जगह आयोडीन कर लो, तो यहाँ पे I2 कर लो, यहाँ पे I, ठीक है, यहाँ पे I, यहाँ पे आयोडीन कर लो भैया, ठीक है,
यहीं पे कर लेते हैं, वहाँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही नहीं, तो आई टू कर लो, ठीक है ना। आई टू कितने होने थे, 3, और ये 5 एन ए आई, 5 एन ए आई के बाद एन ए आई O3 हो जाएगा और ये 3H2। बस तो बस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयोडीन। तो भैया हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा ये है, आयोडीन आपका ये है, एन ए आई बनना है, एन ए आई O3 बनना है और H2 बनना है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई जब आयोडीन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा से रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारी सेकेंड रिएक्शन है, व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद कास्टिक सोडा। तो देखो सर, जो हमारा बोरॉन है, जो हमारा फॉस्फोरस था और जो हमारा सल्फर था, इसकी रिएक्शन जो है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से नहीं होनी थी, तो नो रिएक्शन। मतलब हमारे बोरॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर जो है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से कोई रिएक्शन नहीं देते, जब आप इनको NaOH में हीट करते हो तभी ये रिएक्ट करते हैं। जबकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था वो हॉट एंड कोल्ड दोनों ही कंडीशन में रिएक्ट कर रहा था कास्टिक सोडा के साथ, जबकि ये कास्टिक सोडा के साथ जो है वो केवल और केवल हॉट कंडीशन में ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस जो है, ठीक है, कौन सा फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, इसकी रिएक्शन होनी है NaOH के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा भैया, तो हीट कर दो। तो हमको ये तो पता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता, ये तो दोनों देते हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो फॉस्फोरस का रिडक्शन होगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन होगा। तो भैया फॉस्फोरस का रिडक्शन तो PH3 के फॉर्म में होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस -3 में है, और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन तो NaH2PO2, ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनने पर हो रहा है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे +1 में चला गया, तो फॉस्फोरस 0 से कहाँ चला गया -3, फॉस्फोरस 0 से कहाँ चला गया +1, तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। और इसको बैलेंस करना है, तो जब हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसको हम दो बार लिख लेंगे, तो हमने दो बार लिख लिया। तो भैया ये समझ लो कि ये ऑक्सीडेशन है और ये समझ लो कि ये रिडक्शन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए जा रहे हैं, तो ये तो हमारा ऑक्सीडेशन केस हो गया और ये हमारा रिडक्शन केस हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पता लगा लिया, ए मतलब एटम को बैलेंस करना है, तो भैया फॉस्फोरस यहाँ 4 कर दो, यहाँ 4 कर दो, तो उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करना है, जो चेंज है ना वो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बैलेंस करो, तो देखो जरा यहाँ पे 4 × 0 = 0 है और ये यहाँ पहुँचा, तो 4 × 1 = 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन में दिए जा रहे हैं। रिडक्शन की बात करें तो 0 × 4 = 0, 4 × 3 = 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन तो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जल्दी से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो रहा था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस अब हमारी इक्वेशन जो है आराम से बैलेंस हो जाएगी, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। टोटल फॉस्फोरस कितने हो गए, P4 हो गए 4, 3 और 1 = 4 प्लस NaOH, हीट कर रहे थे, बना 4 PH3 बना और 12 NaH2PO2 बना, ठीक है ना। सोडियम कितना है, 12, तो सोडियम को कर लो भैया 12। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 24 है, तो जल्दी से यहाँ पे 12H2O कर लो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन 24 और 12 36, हाइड्रोजन 12 ये है और 24 वो है, 36 हो गया, बस ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो भैया 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये 3, ये कुछ नहीं होगा, ये 3 और ये 3, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई।
इसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फेट इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो जरा, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसमें आपने सोडियम थायोसल्फेट जो है वो डाल दिया Na2S2O3, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, NaNO3 बनेगा और सिल्वर थायोसल्फेट बन जाएगा, तो Ag2S2O3। इक्वेशन को करेंगे पहले से, तो ये जो सिल्वर थायोसल्फेट बना हुआ है ये हमारा वाइट PPT होता है, तो थोड़ी देर बाद येलो हो जाएगा, फिर ब्राउन हो जाता है और लास्ट में ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, तो जो हमारा Ag2S2O3 है, सिल्वर थायोसल्फेट है, वो वाटर से कंबाइन होता है, तो क्या बनाएगा, Ag2S सिल्वर सल्फेट बन जाएगा और H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और ये हमारा जो है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। इसके बाद हमारी फोर्थ नंबर की रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फेट इज एडेड टू सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। तो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड और हमारा सिल्वर आयोडाइड, ये वाइट PPT होता है, ये लाइट येलो होता है और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये तीनों प्रेसिपिटेट जो है सोडियम थायोसल्फेट में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो जरा, जो हमारा AgCl है Na2S2O3 डिसॉल्व कराओगे तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, क्या बनेगा, Ag S2O3। तो सिल्वर से दो मोनोडेंडेट लिगेंड जो है वो कनेक्ट होते हैं, अब चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती तो ये -4 हो गया, सिल्वर प्लस में रहता है तो यहाँ पे सोडियम जो है वो 3 आएगा और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ऐसे यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड होता तो भी ये रिएक्शन होनी थी, क्या होता, Na3 बनता, Ag S2O3 उल्टी NaBr, और जो आपका सिल्वर आयोडाइड है ये भी वैसी रिएक्शन देता। तो तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट जो है वो सोडियम थायोसल्फेट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और अगर हम इसका नाम बोलें तो इसका नाम जो है वो क्या होगा, तो इसका नाम होगा सोडियम डाइथायोसल्फेटो। अर्जेंटेट वन, तो ये इसका IUPC नेम हो गया। तो सोडियम थायोसल्फेट की सिल्वर हैलाइड के साथ रिएक्शन कुछ और होती है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कुछ और होती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं जबकि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करने पे प्रेसिपिटेट बनता है। इसके बाद अगली रिएक्शन है आयोडीन रिएक्ट्स विद सोडियम थायोसल्फेट, तो आयोडीन जो है सोडियम थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो रिएक्शन होगी ऐसे Na2S2O3 आयोडीन से ये बनेगा Na2S4O6 और 2NaI। यहाँ पे सल्फर जो है +2 में है और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2.5, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया और ये 0 से कहाँ चला गया, -1। अगर हम 6 नंबर की रिएक्शन लिखें फेरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम थायोसल्फेट,
तो भी सोडियम थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, तो फेरिक क्लोराइड जो है वो स्वयं तो रिड्यूस हो जाएगी लेकिन सोडियम थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगी। क्या बनेगा? Na2S4O6 और FeCl2 बनेगा, और क्या बनेगा? NaCl बनेगा। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो यहाँ पर 2 लगाओगे तो यहाँ 2 करना पड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका नाम अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम टेट्रा थायोनेट, तो सोडियम टेट्रा थायोनेट जो है इसका नाम हो जाएगा। तो आयरन प्लस 3 से आयरन प्लस 2 रिडक्शन हो गया, तो यहाँ सल्फर प्लस 2 से 2.5 में ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन कहलाता है इसको हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारा हाइपो सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसको हम हाइपो सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे? तो हाइपो जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो लोएस्ट पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है। तो सल्फर यहाँ पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जो कि लोएस्ट पॉजिटिव का स्टेबल कंपाउंड है, इस कारण इसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके बाद हमारी 7th नंबर की रिएक्शन है, एक्सेस ऑफ कास्टिक सोडा रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो हमारे मेटल हैं कौन से? एम्फोटेरिक मेटल जो हैं वो एल्केली से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है। अब एम्फोटेरिक मेटल जो है वो होते हैं कौन कौन से? तो जिंक, टिन, लेड और एल्युमिनियम। तो ये तो मेटल है, अब इनकी ऑक्साइड भी ले लो, तो जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। आप इनकी हाइड्रोक्साइड भी ले लो, जिंक हाइड्रोक्साइड, टिन हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आप इनके सॉल्ट भी ले लो, जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, टिन सल्फेट, लेड सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम सल्फेट, कोई भी सॉल्ट ले लो। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? एम्फोटेरिक मेटल्स और उनके कंपाउंड। एल्केली की बात करते हैं, आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्केली होते हैं। से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो बनेगा वो डिपेंड करेगा कि मेटल रिएक्ट कर रहा है, कि ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, कि हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, कि कोई सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में जिंक सल्फेट है मतलब जिंक का सॉल्ट है और कास्टिक सोडा मतलब NaOH। तो ये जिंक सल्फेट है और ये NaOH है। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनना है तो Na2ZnO2 ये सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। इक्वेशन को कर लेते हैं बैलेंस, और क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो ये हो गया हमारा सोडियम जिंकेट। अब कंपाउंड का आइडिया जो है वो हमें कैसे लगेगा? तो देखो जरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है इसमें या तो 2 कैटायन होते हैं या 2 एनायन होते हैं। तो इसमें 2 कैटायन है, एक जिंक है, एक सोडियम है और एक एनायन है ऑक्सीजन। तो हमें इनसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो, एक तो सिंपल आयन होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो यहाँ पे सोडियम तो सिंपल आयन है और ZnO2 ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये -2 होता है तो Na क्या हो जाएगा? Na2ZnO2 ये बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखो जरा,
एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये तो हमारे एम्पोट्रेट मेटल का सॉल्ट है और NaOH ये एल्किली है, तो रिएक्शन होनी है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे NaAlO2 बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। भाई सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को मिला के हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाना है, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 होता है, तो सोडियम 1 होगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वो बनेगा। और क्या बनेगा? और यहाँ पे NaCl बनेगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो 3 Na चाहिए, तो 3 NaCl जो है वो हो जाएगा। तो AlCl3 जो है ये तो हमारा एम्फोट्रिक मेटल का सॉल्ट है, और NaOH जो है ये एल्किली है, से रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनना है, तो इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट NaAlO2 होता है, ठीक है ना। और ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, तो NaCl बनेगा। क्लोरीन 3 है तो 3 NaCl कर लो, सोडियम यहाँ 4 हो गया तो 4 Na कर लो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, और इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया। इसके बाद हमारी 9th नंबर की रिएक्शन है, एनहाइड्रस पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ मेटलिक पोटेशियम। तो पोटेशियम नाइट्रेट तो ये है, और एक्सेस ऑफ पोटेशियम में इसको हीट करना है। तो देखो भाई, यहां पे पोटेशियम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पे नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो नाइट्रोजन का रिडक्शन होना तय है, तो ये तो बनेगा K2O और प्लस N2। तो नाइट्रोजन प्लस 5 से चला गया 0 में, भाई तभी तो इक्वेशन रिडक्स होगी, तो नाइट्रोजन को कर लिया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन कर लूँ, पोटेशियम हो गया 12, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 10 के होता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसके बाद 10th नंबर की रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करानी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, K2SO4 बनेगा और CuIO2 बनेगा, लेकिन कॉपर यहाँ पे प्लस 2 में है, और आयोडीन का साइज चूंकि कैसा होता है, बड़ा होता है, और कॉपर चूंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कॉपर जो है वो प्लस 1 में होता है, प्लस 2 में होता है, तो आयोडीन चाहेगा कि कॉपर के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दे, इस कारण जो CuI2 है वो क्या करता है, कॉपर के साइज को बड़ा कर देता है, तो Cu2I2 बनेगा और आयोडीन जो है वो अलग हो जाता है। तो अब ये कंपाउंड जो है इस कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का साइज बढ़ गया और आयोडीन का साइज तो वैसे भी बड़ा होता है। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, तो यहाँ पे Cu I2 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2। ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, जो कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, Cu I2 से Cu I2 कैंसिल, 2 CuSO4 प्लस 4 Ki से बनेगा 2 K2SO4 प्लस Cu2I2 प्लस Ri। तो यहाँ पे कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 में चला गया, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो गया, आयोडीन माइनस 1 से आयोडीन यहाँ 0 में चला गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद हमारी 11th नंबर की रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट इज स्टेटेड विद हाइपो। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट है और हमारा हाइपो जो है वो सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है, रिएक्शन होगी तो पहले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सोडियम सल्फेट बनेगा और CuS2
H2O3 बनेगा, क्यूप्रिक थायोसल्फेट बनेगा। ये जो क्यूप्रिक थायोसल्फेट है CuS2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बनाएगा, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2SOO6, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन तय है, क्या बनेगा, Cu2S2O3। तो यहां पे हमको ये 2 करने पड़ेंगे, तो यहां पे सल्फर जो है वो प्लस 2 से सल्फर 2.5 हो गया और कॉपर प्लस 2 से प्लस 1 हो गया, मतलब यहां तो रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये जो क्यूप्रस थायोसल्फेट बना हुआ है Cu2S2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगी, तो सोडियम Cu2S2O3। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है, याद रखना कॉपर यहां प्लस 1 में है तो 6 है, ये 5 है तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया तो सोडियम 4 होनी चाहिए, तो Na4Cu6S2O3 फुल 5, तो इसका नाम है सोडियम क्यूप्रो थायोसल्फेट। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करना है, यहां पे Cu6 है तो यहां पे 3 कर लो, ठीक है ना, और यहां पे 2 कर लो तो बस ये 5 हो जाएगा, तो बस ये इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद हमारी 12th नंबर की रिएक्शन है, सोडियम इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट इज क्रिएटेड विद H2SO4। तो देखो जरा, सोडियम को जब हम ऑक्सीजन में स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं तो सोडियम ऑक्साइड ना बनके क्या बनता है, सोडियम परऑक्साइड बनता है, ये हमारा बना सोडियम परऑक्साइड। अब इस सोडियम परऑक्साइड को आपको H2SO4 में रिएक्ट कराना है, तो ये H2SO4 कैसा होना चाहिए, आइस कोल्ड होना चाहिए और डाइल्यूट होना चाहिए, 20% तक ये डाइल्यूट होना चाहिए, तब क्या होगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। अगर ये आइस कोल्ड H2SO4 नहीं है तो फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की जगह हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो बस हमारा H2SO4 कैसा होना चाहिए, आइस कोल्ड H2SO4 होना चाहिए और H2SO4 बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 के स्थान पे हम H3PO4 का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं ताकि हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज ना हो, क्यों, क्योंकि ये बहुत 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 वीक एसिड होता है। तो ये हमारी एस ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।